से विधायक बने हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? पहले मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने नीरज भैया को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और जी तो वाकई में उन्होंने सही और गलत का फर्क समझा और अपने नीरज भैया को जिताया है। जीती मैं नहीं, जीते वही हैं आज भी, कि मेरी ऐसी अपनी कोई राजनीतिक उपलब्धि अभी तक है नहीं। अब आगे जो भी होगा मेरा कार्य होगा। लेकिन आप क्षेत्र में प्रचार के दौरान घूमे हैं, वहाँ पर अव्यवस्था बहुत है, सड़क खासकर के पानी की समस्या है और विस्थापन की समस्या है, ये तीन मूल समस्या है, कैसे समाधान करेंगे तीनों समस्या का? अब आज तो जितनी है, अब आगे जो है, सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं पानी की जो समस्या है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी और मुझे जहाँ तक अभी अंदाज़ा है कि पिछले 5 दिनों से जो है आपको पानी जो है दरिया में नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग उसकी कोशिश करते आ रहे हैं, तो प्लांट में कुछ ना कुछ खराबी थी तो हम कल मैदान में उतरते सबसे पहले पानी के लिए। जिस तरह से जनता से आप लगातार फेस टू फेस मिल रहे थे विधायक के बनने के बाद, क्या जनता डायरेक्ट आपसे मिल पाएगी? जी बिल्कुल, उसमें कहाँ शक रहा है। क्या आप नीरज भैया नहीं मिलते थे लोगों को? बिल्कुल, तो हम भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।